हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एनीमिया तो नाव वी विल स्टार्ट एनीमिया स्टार्टिंग में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो एनीमिया होता है उसका मतलब क्या होता है तो इट इज़ डिफाइंड एज ए हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज कि जो एनीमिया होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में वो डिक्रीज हो जाता है जो कि मैन और वुमेन में अलग अलग होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम पर डे लीटर होती है लेकिन जो एनीमिया होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो वुमेन में तो लेस देन ट्वेल्व ग्राम पर डे लीटर और जो मैन होता है उसके अंदर लेस देन फोटीन ग्राम पर डे लीटर हो जाती है जो आर होती है उसके अंदर साइट होते हैं हीमोग्लोबिन उसके अंदर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन पर साइट होते हैं जिसके द्वारा ओ टू बाइंड होता है और आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट की जाती है इसके अलावा आर में एंजाइम भी होते हैं आर जिसको अपन नेत्रोसाइड बोलते हैं कंटेन हीमोग्लोबिन विच हेल्प बाइंड विद ओ टू मोलिक्यूल एंड ऑल्सो कंटेन एंजाइम आर सेल इम्पोर्टेंट इन कैरिंग ओ एंड सी एज वेल एज मेंटेनिंग पी ऑफ द ब्लड की जो आर होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में ओ और सी के द्वारा इर्थरोपोसिस क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ इर्थ्रोसाइट सेल मतलब कि आर बी सी का जो प्रोडक्शन होता है उसको ही इर्थरोपोइसिस बोलते हैं हीमोग्लोबिन इज द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोज एनीमिया हीमोग्लोबिन होता है वो एनीमिया को डायग्नोज करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया एम सी वी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो क्या होता है इट इज़ दी एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड सेल इन पर्सन उसकी भी काउंट कम हो जाती है एनीमिया के अंदर नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन अब हम एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन आर बी सी साइज जो आर बी सी है उसके साइज के ऊपर की जो आर बी सी का जो साइज है वो नॉर्मल है कम है या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फर्स्ट अपन यहाँ डिस्कस करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया इसके अंदर क्या होता है जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है माइक्रोसिटिक मतलब कि जो आरबीसी है उसका जो साइज है वो कम हो गया वेन आरबीसी साइज फाइव टू सिक्स माइक्रोमीटर हो गया इसके कोजेस के अंदर आता है आयरन डिफिशियंसी क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिजीज और थैलेसमिया के अंदर माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है नेक्स्ट अपन देखते हैं इन दिस एनीमिया आयरन स्टडी जो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है उसके अंदर मेन हम आयरन की स्टडी करते हैं सेकंड है क्लासिफिकेशन में नॉर्मोसिटिक एनीमिया व्हेन आरबीसी साइज सेवन टू एट माइक्रोमीटर मतलब कि जो नॉर्मल साइज होता है उसके अंदर इन दिस एनीमिया चेक दी रेटिकलोसाइट काउंट इसके अंदर जो रेटिक्लोसाइट होते हैं रेटिक्लोसाइट मतलब कि जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं उनको अपन रेटिक्लोसाइट बोलते हैं और उनकी जो काउंट होती है उसको रेटिकुलोसाइट काउंट बोलते हैं इट्स टू फर्स्ट है इंक्रीज रेटिक्लोसाइट काउंट मतलब जो इमेच्योर हैं rbc उसकी जब काउंट इंक्रीज हो जाएगी तो वो किस कंडीशन में होगी वो हिम उसके अंदर होगा मतलब कि जब काउंट इंक्रीज हो जाएगी तो hemolytic anemia होगा और उसके अंदर ब्लड का लॉस हो जाएगा क्योंकि वो इमैच्योर हैं brc सेकंड यहाँ इसके अंदर है रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाएगी जो किसके अंदर होगा बोन मैरो डिसऑर्डर बोन मैरो डिसऑर्डर होंगे उसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर मतलब कि ये जो, जो बोन मतलब क्लासिफिकेशन में मैक्रोसिटिक एनीमिया मैक्रो मतलब कि जब उसका साइज है वो नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा वेन आरबीसी साइज एट टू ट्वेल्व माइक्रोमीटर वेन हीमोग्लोबिन लेवल कमरो जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो तो कम हो जाएगा मतलब वैन हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज एंड एम सी वी इज हाई मतलब कि मीन कार्पलर वोल्यूम है वो हाई हो जाएगा ब्लड फिल्म मतलब कि ब्लड फिल्म में जब अपन चेक करेंगे तो इसके अंदर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जब अपन इसकी ब्लड फिल्म चेक करेंगे तो वैन ब्लड फिल्म शो इमेर लार्ज आरबीसी मतलब इसके अंदर इमेच्योर लार्ज आरबीसी होंगे जिसको मेगलोब्लास्टिक बोलते हैं एंड ऑल्सो हाइपर सेगमेंट्स न्यूट्रोफिल इसके कोजेस के अंदर आता है विटामिन बी बारह डिफिशियंसी फोलेट डिफिशियंसी और ड्रग्स इंस्यूड और टॉक्सिसिटी की वजह से कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है सेकेंड यहाँ है नॉन मैगलोब्लास्टिक एनीमिया इसके अंदर क्या होता है व्हेन ब्लड फिल्म शो लार्ज मैच्योर आरबीसी मतलब इसके अंदर मैच्योर आरबीसी होंगे इसके कॉजेस के अंदर आता है अल्कोहल अब्यूज हाइपरथायरायडिज्म और प्रेगनेंसी के अंदर ये नॉन मैगलोब्लास्टिक एनीमिया आता है नेक्स्ट अपन देखते हैं अदर कॉजेस ऑफ एनीमिया एनीमिया है उसके अदर कॉजेस क्या-क्या हैं तो अदर कोजेस के अंदर आता है फर्स्ट बाय डिक्रीजिंग प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है मतलब कि उसके प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है मतलब जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर आता है बोन मैरो डिसऑर्डर जिसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया होगा क्रॉनिक किडनी डिजीज की कंडीशन में भी इसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर लेवल ऑफ डिक्रीज मतलब कि जो इथ्रोपोइटिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी बारह की डिफिशियंसी की वजह से जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होगा आयरन डिफिशियंसी ऑल्सो लीड टू एनीमिया ये सारे कोजेस हैं ये आरबीसी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा जो अल्टीमेटली एनीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड लॉस इज ए अनदर कॉज टू लीड एनीमिया ब्लड लॉस के द्वारा भी एनीमिया हो सकता है ब्लड लॉस कैसे होगा बाय एक्सीडेंट ट्रोमा या हैवी इंजरी के द्वारा अनदर कोज इज इंक्रीज आर बी सी डिस्ट्रक्शन अनदर कोज है कि जो आर बी सी का जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है आर बी सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच प्रोवाइड ओटू टू टू बॉडी जो आर बी सी होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो बॉडी को ओटो सप्लाई करती है विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेल और जो ओटू होती है वो हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है साइन ऑफ एनीमिया जो एनीमिया है उसके साइन क्या क्या होते हैं फैटी सेकंड है पेलोर और थर्ड है बोनी टेंडरनेस फोर्थ है डिस्पीनिया फिफ्थ है बोन मैरो डिजीज होगी सिक्स है मेलेग्नेंसी और सेवन है हीमोलाइसिस ये सारी कंडीशन या फिर ये साइंस हैं जो कि एनीमिया में दिखेंगे लास्ट है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी जो कि सबको पता होती है वन डेज तो आज का ये टॉपिक एनीमिया हम यही समाप्त करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन के टीपी को सब्सक्राइब करें